हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद सुषमा में। आज हम बनाएंगे फ्राई फिश करी। मैंने यहाँ 1 kg मछली लिया है, जिसे साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब चलते हैं मछली को फ्राई करने के लिए, कुछ मसाले को पीस कर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 छोटी कटोरी लहसुन छील के लिया है, इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। एक जार लेंगे जिसमें सभी लहसुन को इसमें डाल देंगे। लहसुन के साथ में ही डाल देंगे 2 चम्मच हल्दी, बड़े चम्मच से 2 चम्मच है, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डाल देंगे थोड़ा सा पानी। जार का ढक्कन लगा के इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए कितना महीन पीस कर तैयार हुआ है। अब सभी मछली में इस मसाले को हम डाल देंगे। लहसुन और मिर्चा हमने पीसा था, उसे हम इसमें डालकर मिला लेंगे। जो हल्दी, चम्मच नमक, नमक मैंने मछली के स्वाद के अनुसार डाला है। ग्रेवी में भी नमक डालेंगे, इसलिए इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है। आप भी हिसाब से ही डालिएगा। मसालों को हाथ से मिला लेंगे और डाल देंगे एक सभी मछली पे। मछली पे मसाले अच्छे से कोट हो जाने चाहिए, तभी इसमें स्वाद आएगा। इस तरह से एक बार आप फ्राई करके बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सभी मछली पे मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं, अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने। लेंगे एक मोटे तले वाली कढ़ाई, जिसे हम गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं। कढ़ाई को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब डालेंगे इसमें फ्राई करने के लिए तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके मछली के पीस को इसमें डालेंगे। मछली को 1-1 मिनट तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। एक बार इधर से चेक कर लेते हैं, पलट देंगे। सभी मछलियों को दोनों साइड से पलट के इधर से भी पका लेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो मछली जल जाएगी। हम मछली को डीप फ्राई कर रहे हैं, आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पर। मछली अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अंदर से पक भी चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से एक एक करके सभी मछलियों को हम फ्राई कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी इसे पलट देंगे। इस तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। ये मछली भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम एक एक करके निकाल लेंगे। सभी मछलियों को हमने फ्राई कर लिया है, अब चलते हैं ग्रेवी की तैयारी करने। अब हम ग्रेवी के लिए लेंगे कुछ मसाले। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, 4 से 5 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 2 बड़े चम्मच सरसों। जार लेंगे, प्याज को मैंने काट लिए हैं, जार में डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे मिर्ची, सरसों, काली मिर्च और जीरा। हमने जितने भी मसाले लिए थे सभी को जार में डाल दिए हैं, अब इसे हम पीस लेंगे। जार में डालेंगे थोड़ा सा पानी, ढक्कन लगा के इसे पीस लेते हैं। मसाले को हमने पीस लिया है, अब चलते हैं ग्रेवी लगाने। मछली की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 5 फोरन, जो 5 तरह के मसालों से मिलाकर बनता है। इसे हल्का सा चटकने देंगे। मसाले अच्छे से चटक चुके हैं और इससे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर काट के इसमें डाले हैं। टमाटर को अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी, इसको भी मिला लेंगे। अच्छे से पकने देते हैं,
थोड़ा सा हल्दी को भी भून लेंगे जिससे उसका कच्चापन चला जाए। टमाटर गल जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, इसे भी अच्छे से एक बार मिला लेंगे। डालेंगे इसमें मसाले जो हमने पीस कर तैयार कर रखा था, सभी मसालों को इसमें डाल देंगे। और इस मसाले को अब हमें खूब भूनना है, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। कंटिन्यू मसाले को चलाते हुए हम भूनेंगे, नहीं तो ये साइड साइड से चिपकने लगेगा और जल जाएगा, इसलिए इसे बराबर चलाते रहेंगे। ये मैं बिहारी तरीके से सरसों वाली मछली बनाकर बता रही हूँ आपको। भूनते भूनते मसाले का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, इसे अभी हम एक मिनट तक और भूनेंगे। मसाले काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे पानी। साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। एक बार और चला लेते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। जब ग्रेवी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई मछली डालेंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब हम इसमें फ्राई की हुई सारी मछली को डाल देंगे। मछली हमारी बनकर तैयार है, इसे आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्राई मछली भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इस तरह से इस मछली को बनाकर देखिए, यकीन मानिए बहुत अच्छी और टेस्टी लगेगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बाउल लेंगे, मछली को इसमें सर्व कर लेंगे।